लीजिए मारिए, मैं भी तो देखूं आप लोगों की जान कैसे लेती हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मेरे होते हुए आप गौरी को छू भी नहीं सकती। आंखें खोलो गौरी। आप नहीं, मेरी तरफ देखो। छोड़ दे इन दोनों को, इन दोनों को तो हम बाद में भी मार सकते हैं। अभी हमें भैया के पास जाना होगा, उन्हें संभालना होगा, उन्हें देखना होगा। चल मेरी आंखें खोलो, नहीं तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। प्लीज गौरी मेरे साथ रहो। गौरी मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। गौरी गौरी प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना। गौरी प्लीज प्लीज गौरी। इस बात की खुशी है कि तुम मेरे साथ हो राज, अब मुझे कोई दर्द नहीं है। राज तुम मेरे साथ हो ना। राज मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? राज मुझे गले लगा लो। राज गौरी ने उस जादुई पत्थर को तोड़ के हमारे बरसों मेहनत पर मिट्टी डाल दी, सब कुछ खत्म हो गया। वो गौरी ना। दीदी उस गौरी को हम बाद में देख लेंगे, आप पहले ये सोचिए कि हमें आगे क्या करना है। अब आपके भाई को हम कैसे जिंदा कर सकते हैं? ये देखने के लिए मुझे कालासुर भैया के मृत शरीर के पास जाना होगा, ये देखने की जादुई पत्थर टूटने के बाद उनके शरीर पे कोई असर तो नहीं हुआ। लेकिन वो राज तो अब भी मेरे वश में है, मेरी मुट्ठी में है, उसका तोड़ है मेरे पास। उसे वश में करने वाला वो अभिमंत्रित पत्थर, वो अब भी मेरे पास है। पर आपने तो कहा था कि धर्म ने वो पत्थर तोड़ दिया है। हाँ तोड़ दिया था, पर टूटने के बाद भी वो खराब नहीं हुआ, उसके पार नहीं गए। उसके टुकड़ों से मैं अब भी राज को अपने वश में कर सकती हूँ। पर अब उसे वश में करके क्या फायदा, जादुई पत्थर तो टूट गया ना। एक मिनट तू यहीं पे रुक, मैं अभी घर के अंदर भैया के पास होके आती हूँ। हाँ। Thank you.
राज, गौरी! राज क्या हुआ गौरी को? गौरी, गौरी, तेरी गौरी को कुछ नहीं होगा, गौरी ठीक हो जाएगी बेटा। राज क्या हुआ है गौरी को? हॉस्पिटल लेके चलते, कुछ नहीं होगा, चल। मंदिर में पैर रखते ही तुझे झटका क्यों लगा? राज, राज, राज। हट जाइए आप लोग, आज मेरे और इनके बीच में कोई नहीं आएगा। आज यहां एक मौत नहीं होगी, अगर गौरी नहीं तो राज भी नहीं। पहले मेरा बेटा और अब मेरी बहू, सब उस उमा की वजह से हुआ है। आंख मूंद कर मैंने उसकी हर बात पे विश्वास किया, उसकी हर बात मानी, किसी दूसरे की बात सुनी नहीं। मेरे पूरे परिवार को बर्बाद करके रख दिया उस औरत ने, ना जाने मेरे कितने अपनों को खा गई वो। और अब मेरी बेटी जैसी बहू, उसको भी। हे भगवान, क्या जवाब दूंगा मैं अपने दोस्त को? मैं उसकी बेटी को नहीं बचा सका, नहीं बचा सका। लेकिन आज पृथ्वी सिंह सूर्यवंशी ये वचन लेता है, उमा को उसकी करनी की सजा देकर रहूंगा। भाई साहब, जीते जीते हमने गौरी की बात नहीं मानी, पर जाते जाते गौरी ने उमा का असली चेहरा सबको दिखा दिया। हमें यही तो पता चल गया कि हमारा असली दुश्मन और कहीं नहीं, हमारे घर में ही है। भैया प्लीज प्लीज, आप वहां मत जाइए वरना आपको फिर से चोट लग जाएगी। राज रुक जा, राज। इससे ज्यादा क्या चोट लगेगी? तो रुक जा राज, मैं पहले भी बहुत सारे अपनों को खो चुका हूँ, तुझे किसी कीमत पर नहीं खोऊंगा। अंदर मत जा, रुक जा बेटा। राज रुक जा, जा। रुक जा भाई प्लीज, मत जा राज, राज प्लीज। जब तक ये मेरी गौरी की सांसें वापस नहीं दे देते, मैं यहां से नहीं हिलूंगा। उस गौरी ने मेरा पूरा प्लान फेल ही नहीं किया, बल्कि मरते मरते पूरे परिवार के सामने मेरा पर्दा फाश कर दिया। आई एम एक्सपोज्ड। ओह नो, अब हम क्या करेंगे? देखना इस सो कॉल्ड ठाकुर की फैमिली को, तो मैं ऐसी सजा दूंगी, ऐसी सजा दूंगी कि वो लोग पछताएंगे कि मेरा असली चेहरा उनके सामने आया ही क्यों। क्या सजा देंगी आप? इनके ही खून के हाथों इनके पूरे परिवार का खून करवाऊंगी मैं, और फिर उसी के हाथों उसका खून। अब देखना राज कैसे अपने पूरे परिवार को शमशान पहुंचाता है, और उसके बाद खुद भी पहुंच जाएगा। अब
अब मुझे राज को अपने वश में करना होगा। पर राज को वश में करने वाला वो जो रिमोट था वो टूट गया था ना, अब वो है कहाँ? मेरे कमरे में, जो तू ही ला सकती है। जा, जाके जल्दी से ले आ, मेरे कमरे में जा। हाँ? मेरा और एक राज का फोटो है, उस फोटोग्राफ के पीछे एक सेफ है और उस सेफ में मैंने वो अभिमंत्रित पत्थर के टुकड़े रखे हैं। मैं अभी लेके आता हूँ। सारे ठाकुर एक साथ मरेंगे, वो भी अपने ही खून के हाथों। किस बात की सजा दे रहे हैं आप भगवान मुझे? क्योंकि मैंने कभी आपकी पूजा नहीं की, कभी आपकी चौखट पे माथा नहीं टेका, इसी बात की सजा दे रहे हैं ना? मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा भगवान, लेकिन आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। मुझे मेरी गौरी वापस दे दो भगवान। सुना है कि आप त्याग बलिदान करने वालों को बहुत मानते हैं। गौरी ने मेरे लिए अपनी जान दे दी भगवान, इससे ज्यादा बड़ा बलिदान कैसे हो सकता है? मैं आपके आगे भीख मांगता हूँ, प्लीज मेरी गौरी वापस लौटा दो। और अगर नहीं दे सकते ना तो मुझे भी मार दो, तो मैं गौरी के बिना नहीं जी सकता भगवान। वैसे भी हर रोज तो मरता हूं, क्योंकि मेरे अंदर काला सुर जिंदा है और इसीलिए मैं आपकी चौखट पे नहीं आ सकता, लेकिन मैं आया हूं और मैं यहां से नहीं हिलूंगा। जब तक गौरी वापस नहीं आ जाती मैं नहीं हिलूंगा भगवान। दीदी ने कहा था इस फोटो के पीछे एक सेफ है, शायद यही वो फोटो है, इसी के पीछे सेफ होगी। गौरी कहती थी कि आप चमत्कार करते हैं, तो आज कोई चमत्कार कीजिए भगवान, कोई चमत्कार कीजिए, कुछ भी कीजिए, मेरी गौरी को वापस लेके आइए, और नहीं कर सकते तो खत्म कर दो मुझे। राज, राज, छोड़ दे बेटा, राज ऐसा मत कर, छोड़ दे ना राज, प्लीज राज। माँ, आपको भी मुझसे दूर करने वाले यही थे ना, एक दो साल नहीं पूरे 30 साल, पूरे 30 साल अलग रखा है इन्होंने मुझे आपसे, और मेरी माँ के रूप में किसको भेजा? उस औरत ने मुझे क्या बना दिया? राक्षस बना दिया, राक्षस बना दिया, कालासुर बना दिया। गौरी ने आप पे हमेशा विश्वास रखा है भगवान, प्लीज उस विश्वास की लाज रख लो। प्लीज गौरी को जिंदा कर दो भगवान, दिखाओ ना कोई चमत्कार, आज आपको चमत्कार दिखाना ही होगा भगवान, आज आपको कुछ करना ही होगा। कैसा और इसमें इतनी चमक कैसे? ये तो वही जादुई पत्थर है जो गौरी ढूंढने गई थी जंगल में।
गौरी, तुम्हें पता कैसे लगा कि जादुई पत्थर वहाँ है? मैंने किताब में देखा था। लेकिन तुम उस जादुई पत्थर को पहचानो ही कैसे? इसकी तस्वीर ये किताब में है, देखो। मैं इसे देखते ही पहचान लूंगी। हाँ, पर गौरी ने तो जादुई पत्थर को हम सबके सामने तोड़ दिया था। इसका मतलब जो जादुई पत्थर गौरी ने तोड़ा था वो नकली था। असली जादुई पत्थर ये है। ये तो वही जादुई पत्थर लग रहा है। इसका मतलब गौरी ने हमें धोखा दिया। ये वही जादुई पत्थर है जो कालासुर जैसे राक्षस को जिंदा कर सकता है, तो गौरी को क्यों नहीं? क्योंकि सिर्फ इस जादुई पत्थर से कुछ नहीं होगा। इसके लिए कुछ और भी करना होगा। तुझे ये जादुई पत्थर हरगिज नहीं मिलेगा। इसकी बातें मत सुन। इसे बात करके कोई फायदा नहीं। हमें वो जादुई पत्थर चाहिए बस। तुझे वो जादुई पत्थर कभी नहीं मिलेगा। मेरा प्यारा बेटा राज, तुझे गौरी चाहिए और मुझे जादुई पत्थर, दोनों को दोनों मिल जाएंगे। तू मुझे ये जादुई पत्थर दे दे, मैं तुझे तेरी गौरी दे दूंगी, उसे उसे जिंदा कर दूंगी। राज, इस औरत की बात पे विश्वास मत करना। ये औरत नाटक कर रही है। बोल, मंजूर या ना मंजूर? मंजूर, मंजूर। तो ला, ला, दे मुझे जादुई पत्थर, देना। ऐसे नहीं, पहले बताओ कि गौरी वापस कैसे आएगी। अगर बता दूंगी तो मुझे ये पत्थर क्यों देगा? 30 साल से धोखा दे रही हैं आप मुझे, आप पर विश्वास कैसे करूं? हाँ, ये बात भी सही है। ठीक है, मैं तेरी गौरी को जिंदा कर देती हूँ। लेकिन हाँ, अगर कोई चालाकी की ना तो अवनी अवनी तेरे पूरे खानदान को जिंदा जला देगी। इस औरत पर बिल्कुल भरोसा मत करना। अब तू वैसे ही करेगा जैसे कि मैं कहूंगी। इस पत्थर को गौरी के माथे पर रख, उसके बाद मैं मंत्र पढ़ूंगी और फिर माथे से लेके पैर तक उस पत्थर को उबारना है। राज, थैंक गॉड तुम ठीक हो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।